जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी है, तब से ही बिहार में टूट की बात की जा रही है। एनडीए की बहुमत वाली सरकार के मुकाबले विपक्ष बहुमत से काफी दूर है। बावजूद इसके महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक ये क्यों कहते हैं कि खेला होना बाकी है, जबकि कांग्रेस खुद ही टूट के डर से पार्टी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर चुकी है। तो सवाल है कि एनडीए में कैसे खेला होगा। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में 28 जनवरी को बीजेपी और जेडीयू का फिर से गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, पर इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है, तो वहीं तेजस्वी का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। विपक्ष के पास 114 विधायकों का ही साथ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसा खेला होगा। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। सवाल ये भी कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है। पटना से आखिर हैदराबाद कांग्रेस विधायकों को किस डर से शिफ्ट किया गया। इन सब के बीच बिहार में जिस खेला की बात हो रही है उससे कई स्थितियां भी जुड़ी हुई हैं। पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 विधायक है, तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति है बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति ये है कि किसी भी पार्टी में यदि टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति ये है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति ये है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है, इसलिए हैदराबाद में विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित न होने पर गवर्नर पर नजरें टिकी रहेंगी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति बेहतर है, ऐसे में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने पर एनडीए को फायदा होगा। बिहार में खेला की बात पर सियासत बेहद गर्मा गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता जहां एकजुटता का दम भर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर ही तोड़फोड़ की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इस गठबंधन में और पहले भी इस गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं। जनता दल यू में कभी भी इस तरह का कोई टूट की संभावना का दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टूटने का रिकॉर्ड नहीं रहा है, पर उनकी पार्टियों का टुकड़े टुकड़े में टूटने का रिकॉर्ड रहा है। विध्वंस की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, तो उन लोगों को मुबारक हो जो देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। दूसरी बात कि वो किसी के साथ सरकार बनाए, वही 10 लोग उनके मंत्रिमंडल में हर बार होते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। तो नाराज विधायक है और वो अगर कहीं जाना चाहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा संस्कार है मेहमान का स्वागत करना। बिहार की सियासत ही नहीं, खेला की बात देश के दूसरे राज्यों तक हो रही है, पर बिहार में नई सरकार के बनते ही जिस तरह से खेल होने की बात कही जा रही है, उससे यही सवाल उठते हैं कि बहुमत वाले एनडीए की सरकार में खेला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आप समझिए कि बिहार में कैसे खेला होगा। तो बिहार में एनडीए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, 128 विधायकों का समर्थन एनडीए सरकार को हासिल है, महागठबंधन के पास 114 विधायक ही हैं, और बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है, यानी 122 की जरूरत है। तो बहुमत से 6 विधायक ज्यादा ही एनडीए के पास हैं।
बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में खेला होने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इसको लेकर बयान दिया था। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाई थी, उसी दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल तो शुरू होने वाला है। यहां समझने वाली बात यह भी है कि महागठबंधन की पार्टियां डरी हुई हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद हालात अब बदल गए हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है। विपक्ष बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि फिर बहुमत की सरकार होने के बावजूद खेला कैसे संभव है। बढ़ते हैं।